आज हम इस तरह का गेट बनाएंगे, डोर, सेफ्टी डोर, ये वाला डिज़ाइन। ये डिज़ाइन पहली बार बना रहे हैं, सबसे हटके डिज़ाइन है। ये 1.5-4 इंच एंगल है, चौखट बना रहे हैं सेफ्टी डोर की। ये इसके अंदर जो है तो होल मारेंगे हम 8-8 इंच पे। उसके बाद इसके अंदर क्वार्टर सिंग आएंगे। क्वार्टर सिंग बोले तो कीला जो है तो एंगल से अंदर रहेगा थोड़ा फिटिंग में, और निकालने के लिए भी किसी को नहीं जमेगा, ग्रिप रहेगा। ये अब हम फ्रेम बना रहे हैं 1.5-4 इंच एंगल में सेफ्टी डोर का। ऐसा साइज है इसका, 33 इंच है। ऐसा जो साइज है इसका 80 इंच है। ये वेल्डिंग मारने के बाद हम एक बार साइज चेक कर लेंगे, खड़ा हो गया, अभी खड़ा देखेंगे। इस साइज में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम ठीक कर सकते हैं। अब हम डायगोनल चेक कर रहे हैं, काट कोन उसका, ये अगर काट कोन सही नहीं आएगा तो उधर बैठेगा नहीं गाले में। डायगोनल सही होना ज़रूरी है। हमारा डायगोनल कंप्लीट हो चुका है चेक करना, अब हम फुल वेल्डिंग मारेंगे इसको चारों साइड, ताकि डायगनल आउट ना हो, बिठाने में कुछ दिक्कत ना आ सके। अब हम इसके अंदर के पाइप कट कर रहे हैं, तो पट के लिए लगते हैं 2-1 का पाइप है। फ्रेम के पाइप कट हो चुके हैं और हम अब इसको थ्रो कर रहे हैं सीधा। जो बेंड होते हैं, ये बेंड होने के बाद में जाने में दिक्कत होती है, राउंड हो जाता है पट, इसके लिए हम पहले सीधे कर रहे हैं। ये वेल्डिंग में बेंड होता है, वेल्डिंग मारते टाइम में खींचा जाता है,
फिर उसके बाद टेढ़ा होने के बाद भी हम फिर से सीधा करेंगे उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद। ये दोनों साइड में गाला छोड़ेंगे हम, बीच का गाला कम डिस्टेंस रखेंगे बीच का, ये 29 इंच का है दोनों साइड से गाला, ये भी 29 इंच है और ये बीच वाला जो है तो 13 इंच का गाला है सेंटर का जो गाला गैप है वो 13 इंच का है और उसके बाद जो है तो वो है 29 इंच का, 29 इंच के अंदर डिजाइन बनाएंगे हम। हमने पहले सेंटर में एक एक मारा है दोनों गालों में, तो उसके आजू बाजू हम एक एक मारेंगे फिर से। जो खड़े पाइप हम मार रहे हैं उसके अंदर का डिस्टेंस है 1 इंच और जो आड़े आएंगे उसके अंदर, जैसा कि अंदर लगा है पहले आड़ा वैसा लगेगा तो उसके अंदर 1.25 इंच का डिस्टेंस आएगा। ये हमारा लगभग डिज़ाइन होते आ रहा है फाइनल, अभी हम ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे के बाद नीचे शीट मारेंगे वो गाले में खुल्ला जहाँ ओपन है, तो अभी इसके साइड साइड के पाइप मारना बाकी है हमारे। ये इधर वाला ये एक है और इसके सेंटर में इधर से ये साइड के कोने में एक है इधर के और नीचे वाले भी वैसे ही बाकी है, ये मारने के बाद हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा। ये
ये आखिरी पाइप है हमारा, ये मारने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। के बाद ये जो गाला खुला है उसके अंदर स्क्वायर बार मार के तो शीट मारेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है डिज़ाइन, ये देख सकते हैं आप, ये हमने शीट भी लगा दी है। तो आप वेल्डिंग मारेंगे, वेल्डिंग बाकी है, वेल्डिंग हो जाएंगे तो पलटा देंगे। ये अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाले हिस्से की तरफ बाद में वेल्डिंग मारेंगे, फिनिशिंग करेंगे ग्लैंडर मार कर घस के। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and
day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now. हमारी घुसाई और सीधा करना पूरा हो चुका है, अब हम इसको इंजिस मारेंगे। इसको इंजिस मार दिए है फ्रेम के अंदर, उठा के देखते हैं कहीं से उठ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पानी में। ठीक है, ओके, ये तो हमने चेक कर लिया।
इसको हम खड़ा करके पलटा के इंजन को बिल्डिंग मारेंगे, पहले ऊपर से बिल्डिंग मार देंगे ताकि टूटे नहीं, ताकि किए थे पहले हम लोग अच्छे टाके चेक कर सकें। अब इसको अब टाके बढ़ा के अंदर से फ्यूल नहीं मार देंगे। अब हम इसको पलटा दिए हैं, इसको लोडिंग हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप मारेंगे, तो दो मारना है सिर्फ अंदर से ही, बाहर से नहीं मारना है सेफ्टी के लिए। अंदर से तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है डोर, बाहर से इसलिए नहीं मारना है कि ये बालकनी में का है। ये हो चुका है हमारा दरवाज़ा बनकर कंप्लीट, सेफ्टी डोर। हम इसको आप कलर करेंगे, रेड ऑक्साइड मार के देंगे। अगर कस्टमर ने बोला है कि इसको कलर करना है तो फिर कलर करके देंगे। हमारा रेड ऑक्साइड मारना हो चुका है, हमने रेड ऑक्साइड मार दिया है। ये सूखने के बाद में हम इसको कलर करेंगे, वेरी कलर फिनिशिंग। अब हम इसको एशियन पेंट्स एवेरी कलर मारेंगे।
दरवाज़ा कंप्लीट हो चुका है कलर के साथ हमारा। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन, बहुत ही बढ़िया है।